नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त स्वागत है आज की इस फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले कि अगर आप माइक्रो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो किस तरह से जस्ट 73 रुपये में माइक्रो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो और इसकी मदद से आसानी से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो आज का वीडियो देखते रहिए। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको SF5 डोमेन के एक्सटेंशन बताने वाला हूँ जो कि आपको मिलेगा जस्ट 73 रुपये में और आप इसकी मदद से आसानी से आपका खुद का माइक्रो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रो ब्लॉगिंग। तो आपको किसी भी टॉपिक पे ऊपर डीप में लिखना होता है, इसे कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। अगर आपको जानना है डिटेल में कि माइक्रो ब्लॉगिंग कैसे करते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आसानी से वीडियो वॉच करके सीख लीजिए कि एक्चुअली माइक्रो ब्लॉगिंग किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आपको कहाँ पर जो 73 रुपये में 5 डोमेन एक्सटेंशन मिलेंगे, इसकी मदद से आसानी से आप माइक्रो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेमचिप का एक लिंक मिलेगा, मैं आज की वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ नेमचिप.com का। इसके अंदर आपको 73 रुपये के अंदर आपको बहुत ही अच्छे डोमेन मिलने वाला है जिसकी मदद से आसानी से आप माइक्रो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी के देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो कौन से टॉपिक पे माइक्रो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि माइक्रो निश ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होता है कि देखिए किस टॉपिक को हम चूज़ करें जो कि आपके लिए कभी भी एक्सपायर ना हो। मान लीजिए आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज़ किया जैसे कि अमेज़ोन के अंदर ऑफर आने वाला है, दिवाली धमाका ऑफर फ्लिपकार्ट के अंदर आने वाला है। तो अगर आप ऐसा टॉपिक चूज़ करते हो जो एक्सपायर होने वाला है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसे आप बार बार यूज़ करें, यानी कि आप नेक्स्ट ईयर भी इसका यूज़ कर सकें। तो इस केस में मैं आपको सिखाने के लिए एक टॉपिक यूज़ करने वाला हूँ, इसका नाम है अपकमिंग सेल। अब देखिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर आप डिटेल में लिख के जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या तो किसी भी वेबसाइट के बारे में अपकमिंग सेल के बारे में डिटेल में लिख के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो इसके देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल डोमेन सर्च करना है जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसके देखिए मैं लिखता हूँ अपकमिंग सेल, आपको इस तरह से लिखना है, देखिए मैंने लिख लिया अपकमिंग सेल। इसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो नेमचिप के अंदर आपको SF5 एक्सटेंशन मिलने वाला है जो कि 73 रुपये में, इसकी मदद से आसानी से आप माइक्रो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने लिख लिया अपकमिंग सेल, देखिए सब यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसके बाद जैसे आप अपकमिंग सेल लिखोगे, इसके बाद देखिए नेमचिप के अंदर आपको एक फीचर मिलता है, आपको जाना है नीचे और वहाँ पर आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर 400 एडिशनल डोमेन एक्सटेंशन। इसके बाद इसके अंदर आपको एक और फीचर मिलता है, वो है देखिए आपको यहाँ पर देखिए देखा $1 और लेस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करो तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही सारे डोमेन मिलेंगे। तो वैसे तो मैं आपको जो 5 डोमेन है वो हाईली रिकमेंड करूँगा, इसके अलावा बहुत ही सारे हैं लेकिन आपको इसका यूज़ करके कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें से देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा 73 रुपये में, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इंडियन रुपये में करंट जो डॉलर की प्राइस के मुताबिक। तो सिंपली मैं इसे पेस्ट करूँगा तो देखिए 72 रुपये यहाँ पे आपको दिखा देगा, लेकिन टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के आपको 79 रुपये में शायद ये डोमेन मिल जाएगा, लेकिन ये आपके लिए कुछ खास नहीं है। आप इतने में आपका खुद का माइक्रो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो विथ गूगल ब्लॉगर। तो इसमें से सबसे पहला है .club डोमेन, इसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है .site, इसके बाद .us और इसके बाद .website और जो लास्ट डोमेन है वो है .xyz। तो इसमें से देखिए मैं सबसे ज़्यादा आपको हाईली रिकमेंड करूँगा वो है .xyz और इसके बाद .site। इस दो डोमेन में से आप किसी भी डोमेन को चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए .site डोमेन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा और .xy के लिए बहुत ही कम, यानी कि जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो सिंपली आपको इस डोमेन को चूज़ करना है और इस डोमेन को आपको परचेस कर लेना है, उसके बाद आपको इसके ऊपर आपका खुद का माइक्रो ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो सिंपली सबसे पहले आपको एड कार्ड पर क्लिक करके आपको इसे कार्ड के अंदर ऐड करना है। तो देखिए जैसे आप एड कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपके कार्ड के अंदर डोमेन आ जाएगा, इसके बाद आसानी से यहाँ पर चेकआउट करके ये डोमेन परचेस कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, डोमेन परचेस करने के लिए आप पेपाल या तो आपका जो आपके पास आपका ग्लोबल डेबिट कार्ड है इसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको इसके अंदर आपका वेबसाइट होस्ट कर देना है। तो जो ओवरऑल कहने की बात यह है कि आप जस्ट 73 रुपये यानी कि 72 रुपीज़ में आपका खुद का माइक्रो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि क्या आप इसमें रिटर्न में वीडियो चाहते हो कि मैं रिटर्न में वीडियो बनाऊँ इस डोमेन के ऊपर। मैं आपको एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा कि माइक्रो ब्लॉगिंग के ऊपर कि आपको किस तरह से एक्चुअली माइक्रो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है।
तो कमेंट्स के अंदर आप बताएं मुझे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो बहुत ही पसंद है, अगर आप भी डोमेन परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको नेमचिप की लिंक मिलेगी, वहां जाके आसानी से आप डोमेन परचेस करके माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो यहीं तक था, अगर आपको वीडियो बहुत ही पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।